हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरु। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक, जो एनिमल किंगडम से का बेसिक है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे थे। बायनोमियल नोमेनक्लेचर और टैक्सोनॉमी हायरार्की के बारे में डिस्कस कर लिया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन जो मैं आज पढ़ाऊंगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम एक्चुअली में एनिमल किंगडम का जो कोर है मैं आज वो पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। जो कोर है, अभी मैंने जो इसके पहले वी जो ये वीडियो नंबर वन में देखा था कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने बताया था, और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, और ये जो हम लोग फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़े थे। तो आज जो आज हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे किसके बारे में, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि आरएच विक्टर के द्वारा, बायोलॉजिस्ट हैं वो, उनके द्वारा दिया गया था। और इसके अंदर जो पांच कैटेगरी था, जो कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांट एनिमल, ये पाँच जो था उसके बारे में हम लोग थोड़ा आज डिटेल से पढ़ेंगे। और ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये कोर एनिमल किंगडम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा। इसका नोट्स आप जरूर तैयार कीजिएगा। और मैं ये आप मत समझना कि मैं कम पढ़ाता हूँ, कम इसलिए पढ़ाता हूँ कि आप एग्ज़ाम के पहले 5 या 6 दिन पहले अगर इसका नोट्स अगर आपका बना हुआ होगा ना, तो आपको ये 5 से 6 घंटे में रिवीजन हो जाएगा। इसलिए मैं नोट्स छोटा बना रहा हूँ, ताकि अब ऐसी कुछ भी नहीं पढ़ा दूँ, क्योंकि इसमें जो भी आता है बेसिक चीज़ ही आता है। तो इसलिए मैं उसी तरीके से आपको बताता हूँ। अगर आपको अगर थोड़ा डिटेल से पढ़ना होगा तो मैं दूसरे कभी और वीडियो मैं बनाऊँगा उसमें बताना, तो मैं बता दूँगा। इसलिए आज मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ, एक थोड़ा सा छोटा सा नोट्स है उसके बारे में मैं पहले देख लेता हूँ। पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़े थे ना, जो कि दिया गया था कार्ल एंडर्सन लिनियस के द्वारा। उसके अंदर एक चीज़ था कि एल्गी, फंगी और बैक्टीरिया जो है ये ना उसमें प्लांट किंगडम के अंदर ही आता है, लेकिन ये सिर्फ टू किंगडम क्लासिफिकेशन का बात हो रहा है। जो कि एल्गी, फंगी और बैक्टीरिया है टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, वो प्लांट कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। और हम अब जो आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आज आरएच विक्टर का जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है उसका पहला टॉपिक है, वो क्लासिफिकेशन है, वो कौन है, मोनेरा। ये मोनेरा जो है, मोनेरा के बारे में हम लोग थोड़ा आज पढ़ते हैं। मोनेरा क्या है ना, कि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ये इसके अंदर जो भी आएंगे वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, वो प्रोकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये दोनों के बारे में हम लोग ना सेल वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिटेल से। मैं थोड़ा सा एक वर्ड लिखा हूँ, न्यूक्लियस एब्सेंटिस में क्या होता है, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो ये जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ये मोनेरा के अंदर आते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल देखिए, बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, आर्कियोबैक्टीरिया हो गया, या फिर आपका फिलामेंटस बैक्टीरिया भी इसके मोनेरा कैटेगरी के अंदर ही आता है। ये इसको ये किंगडम के अंदर ही, जितना भी मैंने अभी बताया बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, सब ये क्या क्या के अंदर आता है, मोनेरा के अंदर आता है, और फिलामेंटस बैक्टीरिया भी मोनेरा के अंदर आता है। और ये जो ऑर्गेनिज्म होता है बहुत ही छोटा होता है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या हुआ, कि इतना छोटा है कि आपको माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा वो चीज़, वो नेकेड आई से दिख नहीं सकता है। तो हम लोग मोनेरा के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिए, और इसका जो मैं बता रहा हूँ ना उसको नोट डाउन करते रहिएगा, हर वीडियो में बताता हूँ, इसलिए थोड़ा गौर कीजिएगा, इसको अच्छे से नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा आज पढ़ रहे हैं, अब पढ़ने जा रहे हैं क्या, प्रोटिस्टा के बारे में। क्या प्रोटिस्टा के बारे में, प्रोटिस्टा क्या होता है, ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर जीव जो इस कैटेगरी के अंदर क्या होता है, यूनिसेलुलर फॉर्म का जो ऑर्गेनिज्म होता है वो पाया जाता है। और ये एक्चुअली में कहाँ पे पाया जाता है, एक्वेटिक हैबिटेट में, यानी कि ये जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी होता है वहाँ पर ये पाया जाता है। और इसका जो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये 3 तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये लाई करता है। यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ, कि वो चीज़ उस तरीके से खा करके ये जिंदा रह सकता है, यानी कि ऑटोट्रॉपिक, यानी अपना खाना खुद से भी बना सकता है। इसका जो प्रोटिस्टा के अंदर कुछ कुछ कैटेगरी है वो अपना खाना खुद से बनाकर खा सकता है। लेकिन दूसरा क्या है, पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक मतलब क्या, मैंने इसके पहले डिस्कस किया है सेकंड वीडियो में कि पैरासाइटिक क्या है। पैरासाइटिक में क्या होता है कि कोई भी जो होता है ऑर्गेनिज्म जाकर के होस्ट से जाकर खाना लेकर के चला आता है। एस्पेरोफाइटिक क्या होता है, जो कि जो भी डिकेइंग ऑब्जेक्ट है या जो भी चीज़ है सड़ा हुआ या फिर वो सब है उस पर जाकर के वो जाता है और वो न्यूट्रिशन उसे प्राप्त करता है और वो अपना मस्त रहता है। तो ये जो इसके अंदर जो आता है वो कौन कौन सा है, डायटम फ्लैगेटेड, यानी कि डायटम्स जो एल्गी में होता है डायटम्स वो, और प्रोटोजोआ, ये दोनों जो है इस कैटेगरी के अंदर लाई करता है, प्रोटिस्टा के अंदर करता है। अब हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे अभी प्लांट और एनिमल के बारे में, प्लांट और एनिमल के बारे में। फंगी के बारे में मैं बाद में बता दूंगा, अभी ये
प्लांट एनिमल के बारे में बता रहा हूँ, फंगी के बारे में मैं कल डिटेल से बता दूंगा थोड़ा, अगर मेरे को, मैं आज वीडियो में वो तैयार नहीं कर पाया था तो फंगी के बारे में मैं कल बता दूंगा, ठीक है। प्लांट, प्लांट मतलब ये समझ में आ रहा होगा कि प्लांट क्या है, तो ये इसके अंदर जो भी प्लांट है, प्लांट किंगडम के अंदर जो भी प्लांट्स होते हैं वो आते हैं, एक्सेप्ट कौन सा, एक्सपेक्ट मतलब कि यानी कि एक्सेप्ट में कौन है, एल्गी इस कैटेगरी में नहीं आता है, डायटम्स नहीं आता है, फंगी नहीं आता है, ये सब जो है ये कहाँ पे आता है, मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर। हम लोग अभी देखें ना कि डायटम्स जो था किसके अंदर था, वो प्रोटिस्टा के अंदर था, तो एल्गी भी, एल्गी भी उसी के अंदर प्रोटिस्टा के अंदर आता है, ये सब जो मोनेरा प्रोटिस्टा के अंदर जो भी कैटेगरी है वो प्लांट के अंदर नहीं आएगा। और एनिमल, एनिमल में भी तो साफ सा लग रहा है क्या कि जो भी ऑल एनिमल्स कम अंडर दिस एक्सेप्ट, यानी कि प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ एनिमल होने के बावजूद भी ये प्रोटोजोआ अपना एक अलग से, इसका एक खुद का अलग से क्लासिफिकेशन है जो कि प्रोटोजोआ के, प्रोटोजोआ अलग से है, तो वो प्रोटोजोआ इसके अंदर नहीं आता है, वो एनिमल होने के बावजूद भी ये प्रोटोजोआ है एनिमल के कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। तो उसको हम लोग आज थोड़ा, ये तो बायोनोमिक्लेचर जो था, बायोनोमियल नोमिक्लेचर, उसके बारे में मैंने कल डिस्कस कर लिया था, तो अब हम लोग अब इसका जो है क्लासिफिकेशन और भी जो है मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, अब एनिमल किंगडम जो, ये अभी हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, अब हम लोग एनिमल के अंदर जो है, यानी जो एनिमल के अंदर जो क्या क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे, यानी क्लासिफिकेशन में जो भी एनिमल हम लोग पढ़ रहे थे ना उसके अंदर क्या क्या होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एनिमल, देखिए पहले क्या है एनिमल, एनिमल के अंदर क्या होता है कि दो चीज़ होता है, एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ, ये प्रोटो एनिमल के अंदर ही, ये क्या है प्रोटोजोआ है, ये अलग कैटेगरी एनिमल में है लेकिन ये कैटेगरी इसका अलग है, इसको हम लोग अलग फाइलम के अंदर रखते हैं। हम लोग कल पढ़ रहे थे ना कि फाइलम एक डिवीजन होता है, वो अलग फाइलम में है, और ये मल्टी सेलुलर जो मेटाजोआ है वो अलग फाइलम के अंदर है, अलग ग्रुप के अंदर है। एनिमल के अंदर ही दोनों आता है लेकिन ये ग्रुप दोनों का अलग अलग है, प्रोटोजोआ वाला जो यूनिसेलुलर है वो अलग ग्रुप का है, मल्टी सेलुलर वो है जो अलग है, यानी कि यूनिसेलुलर जो है प्रोटोजोआ वो एक ही फाइलम है, मात्र एक फाइलम है, खुद ही है प्रोटोजोआ एक फाइलम है, और ये मेटाजोआ यानी मल्टी सेलुलर जो है कि नौ फाइलम के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, यानी कि अलग से नौ फाइलम के अंदर इसको डिवाइड करके इसको, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए आज हम लोग जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं क्या, फाइलम प्रोटोजोआ, क्या है फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो अब हम, मैं स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, क्लियर आपको दिखेगा तो सही रहेगा, इसलिए मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखे सब। हाँ ठीक है, अब स्लाइड्स अच्छे से आप सेट हो गए हैं, मैं अब थोड़ा बताता हूँ इसके बारे में क्या। द टर्म प्रोटोजोआ वाज पहला बार जो टर्म जो क्वाइन किया गया था, यानी कि ये किसके द्वारा किया गया था, गोल्डफस के द्वारा किए क्वाइन किया गया था, यानी प्रोटोजोआ वर्ड का, ये वर्ड को जो क्वाइन किया गया था। प्रोटोजोआ क्या है, यूनिसेलुलर एंड लिव इन ए कॉलोनी, ये क्या होता है यूनिसेलुलर, यानी कि एक सेल का, भी हम लोग पढ़े थे ना कि यूनिसेलुलर होता है यानी कि एक सेल का बना हुआ होता है ये, और ये क्या होता है कॉलोनीज में रहता है। कॉलोनीज मतलब क्या हुआ कि जैसे ग्रुप में होता है इस तरह से छोटा 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 एक कॉलोनी बना करके रहता है, कॉलोनी मतलब ये होता है ना कि एक ग्रुप में छोटा छोटा बना करके वो रहता है। और वो कहाँ पे पाया जाता है, पाया कहाँ पे जाता है, फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है और मेरीन वाटर में पाया जाता है, यानी कि फ्रेश वाटर मतलब कि सॉफ्ट वाटर में भी और ये हार्ड वाटर दोनों जगह पे ये पाया जाता है। और ये जो होता है कि कैसा होता है, दे आर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक, ये क्या होता है, ये या इंडिपेंडेंटली भी रह सकता है या फिर पैरासाइटिक होता है। पैरासाइटिक मतलब क्या हुआ, ये होस्ट अपने जो जो होस्ट बॉडी पे जाकर के वो जाएगा, उससे फूड लेकर के चला आएगा पैरासाइटिक में, ठीक है ना। इसका लोकोमोशन जो होता है, लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट जो होता है किसके थ्रू होता है, सीडोपोडिया एक होता है उसके थ्रू होता है, एक सीलिया और फ्लेजेला, यानी सीलिया फ्लेजेला किस तरह का होता है, इस तरह से फाइबर्स टाइप का बना होता है, इसके थ्रू ये लोकोमोशन यानी कि मूव करता, मूव करेगा थोड़ा थोड़ा इधर उधर, जो भी मूवमेंट होता है इसका, ये सीडोपोडिया और सीलिया और फ्लेजेला, ये चीज़, ये तीनों चीज़ हुआ। ये पूछा जाता है एग्जाम में, आपको पूछ देगा डायरेक्टली, आपसे पूछ देगा ऐसे कि इस तरह से पूछेगा कि अमेबिया, अमेबिया जो उसका एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ का, वो उसका जो लोकोमेशन यानी मूवमेंट होता है क्या के थ्रू होता है, तो ऑप्शन में आपको दिया जाएगा सीडोपोडिया तो सीडोपोडिया होगा, सीलिया तो सीलिया होगा, फ्लेजेला तो फ्लेजेला होगा। उसी तरह से इसका जो रिस्पिरेशन होता है, यानी कि जो इसका जो रिस्पिरेशन, हम लोग जैसे सांस लेते हैं ना, उसी तरह से ये जो सांस होता है, और सांस और एक्सक्रेशन मतलब कि जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में होता है वो एक्सक्रेट करता है, किसके थ्रू करता है, क्या के थ्रू करता है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, ये रिस्पिरेशन करता है और एक्सक्रेशन करता है। यानी रिस्पिरेशन एक्सक्रेशन प्रोसेस जो होता है प्रोटोजोआ का क्या के थ्रू होता है, वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है ना। आप समझ रहे होंगे मैं जो भी बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, और इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन में यही पूछा जाता है, बार बार आपसे पूछ देगा कि जो फाइलम प्रोटोजोआ है क्या के थ्रू, क्या प्रोसेस से वो ये रिस्पिरेशन करता है, एक्सक्रेशन करता है, तो आपको बताना होगा डिफ्यूजन। उसके पास कोई भी टिश्यू और ऑर्गन नहीं होता है, तो कैसे टिश्यू ऑर्गन कैसे हो पाएगा,
सिंपल सी बात है ना कि ये तो यहाँ पर ऐसे भी यूनिसेलुलर है तो टिश्यू ऑर्गन तो होना नहीं ही है, वो तो मल्टी सेलुलर में भी कुछ कुछ में नहीं होता है, लेकिन यूनिसेलुलर है तो ऐसे भी टिश्यू नहीं होगा। टिश्यू मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ पर तो एक ही सेल का बना हुआ था, एक सेल के कैसे टिश्यू बना सकता है। जब भी टिश्यू बनेगा, जब बहुत सारे सेल्स होंगे तभी तो टिश्यू बनेगा ना, और अगर टिश्यू ही नहीं होगा तो ऑर्गन कैसे बनेगा। तो इसलिए बेसिकली इसमें ना टिश्यू होता है ना ही ऑर्गन होता है, यानी कि इसमें दोनों चीज़ क्या होता है, अब्सेंट होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है आप जरूर देखिए, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप समझिए ठीक है ना। एग्जाम्पल में आपको पूछ देगा कि कौन से फाइलम के अंदर ये आता है, ठीक है। फाइलम बहुत सारे होते हैं, मैं बताया ना कि 9 फाइलम जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं, और एक फाइलम जो होता है यूनिसेलुलर होता है, यानी कि टोटल हो गया 10 फाइलम। वो कोई भी फाइलम दे देगा 4, और उसमें से आपसे पूछेगा कि प्रोटोजोआ जो अमीबा है, अमीबा है कौन से फाइलम के अंदर आता है, चाहे एंटीमीबा है वो कौन से फाइलम के अंदर आता है, पारामेशियम जो होता है वो कौन से फाइलम के अंदर आता है। पारामेशियम को हम लोग स्लीपर श्री एनिमल बोलते हैं, इस तरह से होगा बना हुआ, उस तरह स्लीपर टाइप का बना हुआ होता है। आप तो देखे होंगे बहुत सारे जगह पे इस तरह का स्लीपर टाइप का इसका बना होता है, ये फ्लेजेलास्ट इस तरह से ऐसे बना हुआ रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं पारामेशियम। अमीबा तो उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं, जो भी बना दीजिए, अमीबा हो गया, ये हो गया, मतलब कि हम लोग पारामेशियम हो गया। फिर युगलीना, युगलीना जो होता है ये हो गया अप्लासमोडियम, ये दोनों, ये जितना भी मैंने एग्जांपल बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि पूछा जाएगा, ये पूछ देगा कि युगलीना कौन से फैलम के अंदर आता है, अप्लासमोडियम किस कौन से फैलम के अंदर आता है। तो आप अगर पढ़े रहोगे तो आप बना करके आ जाओगे, और अगर नहीं पढ़े रहोगे तो आपको लगेगा कि ये कहाँ से पूछ दिया। इसलिए अब मैं जो भी मैं बताता हूँ ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप अभी नहीं समझ में आपको आएगा, जब एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप देखना जरूर कि मेरा जो वीडियो पढ़ाया गया है उस वीडियो से पक्का, आप अगर 10 क्वेश्चन है तो उससे पक्का 5 या 6 क्वेश्चन इसी से रहेगा, आप इतना जान लीजिए। तो इसलिए ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो का नोट्स बनाएं, और जो भी हो मेरे वीडियो जो एग्ज़ाम गुरु का जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें दोस्तों, बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन के लिए। अगर आप मेरा देखते हैं वीडियो कोई देख नहीं रहा है तो देखने मेरा कुछ नहीं होता है, आप ही लोगों को घाटा होगा। जब आप एग्ज़ाम देकर के आओगे तो समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने डिस्कस किया था आप लोग से, लेकिन आपने बोला इस वीडियो को देखा नहीं। ठीक है दोस्तों, मैं कल जो और भी बचा हुआ फाइलम जो 9 फाइलम है, मैं आज बस प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर वाला जो पार्ट है मैंने डिस्कस कर लिया, अब मैं कल जो बचा हुआ 9 फाइलम है उसका कुछ पार्ट है मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं जो वीडियो लाता हूं ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 या 15 मिनट से, मैक्सिमम 15 मिनट का होता है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूं, इसलिए कम लाता हूं ताकि आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़ करके ज़्यादा समझ सके, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।